नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना की नई गाइडलाइन हुई जारी। निजीकरण के विरोध में देश में शुरू हुई बैंक की सबसे बड़ी हड़ताल। बिहार में कोरोना के मिले 10 से कम मामले। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा सकती है सरकार। आज से सिटी बस में सफर करना भी हुआ महंगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। निजीकरण के विरोध में देश में शुरू हुई बैंक की सबसे बड़ी हड़ताल। बैंक के निजीकरण को लेकर देश भर में हड़ताल आज से शुरू हो गया है। बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में ही सार्वजनिक क्षेत्र के करीब 9 लाख बैंक कर्मी देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। 2 दिनों की यह हड़ताल शुक्रवार तक जारी रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण अगले 4 में से 3 दिन बैंक में कोई कामकाज नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में बैंकों के संगठनों की तरफ से हड़ताल किया गया है। बैंक संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरह से बैंकों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है वो देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बिहार में कोरोना की नई गाइडलाइन हुई जारी। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बाद एहतियाती कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने अभी से ही कोरोना से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत बिहार आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कई गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन पूरे प्रदेश में 16 दिसंबर 2021 से लेकर 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगी। इसमें सभी प्रदेशवासियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति पर संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकान और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के निर्देश का पालन करना है। वहीं दुकान और प्रतिष्ठान में कोरोना टीका लगा चुके व्यक्ति ही काम कर सकते हैं। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित दुकान और व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं 1ली से 12वीं कक्षा तक के सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे, लेकिन कोविड गाइडलाइन को पालन करना होगा। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्पों को भी यथासंभव उपलब्ध रखा जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 10 से कम मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 87 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा में 2, पटना में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में कोई भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,60,264 सैंपल की जांच की गई। वहीं 9 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा सकती है सरकार। बिहार में बाल विवाह लंबे समय तक नासूर बनी रही, लेकिन समय के साथ इस प्रथा में सुधार जरूर आया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां ये प्रथा चलती ही जा रही है। इसी बीच बिहार की बात करें तो बिहार में बाल विवाह को रोका जाए इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय की थी, जिसको अब और ज्यादा बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में जल्द ही लड़कियों के विवाह की वैधानिक उम्र बदल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में लड़कियों की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में लड़कियों की शादी की उम्र बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर सरकार मौजूदा कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल करेगी। बिहार में जल्द होगी 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार में जल्द ही 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने वाला है, क्योंकि जल्द ही शिक्षा विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार करने जा रहा है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग की बैठक इस मुद्दे पर हुई थी। बैठक में जिलों से आई रिक्त पदों और उनका रोस्टर तैयार किए जाने आदि पर विस्तार से चर्चा हुई। उम्मीद है कि जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग को विभाग द्वारा नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज दी जाएगी। आयोग के माध्यम से ही इनका चयन होना है। आपको बता दें कि आयोजित बैठक में आयोग के अध्यक्ष आर के महाजन और विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, बढ़ी सिहरन। ठंड का प्रभाव बिहार में भले ही देरी से आया हो, लेकिन अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। यही कारण है कि बिहार में ठंड का असर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को गया सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो
जहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आज बिहार के कई जिलों में धुंध और कोहरे का नजारा भी देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 दिनों तक बिहार के तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। बुधवार को वातावरण में धुंध बढ़ने के कारण पूर्णिया में दृश्यता कम रही। यहां पर दृश्यता मात्र 600 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम से आने वाली हवा जब देश के पर्वतीय भागों से टकराकर मैदानों से गुजरती है तो काफी ठंड हो जाती है, जिससे ही लोगों को काफी ठंड का एहसास होता है। बिहार में जल्द ही बनेंगे और 200 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। बिहार में कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई थी। जब अस्पताल की कमी तो हुई ही थी, साथ ही अस्पताल में मौजूद लोगों को आधारभूत संरचना भी नहीं मिल रही थी, जिससे कि सबक अब बिहार सरकार ने सीख लिया है। यही कारण है कि सरकार अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारियां अभी से ही तेज कर चुकी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जल्द ही बिहार में 200 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नए भवन के निर्माण की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि बिहार में 496 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया भवन निर्माणाधीन है। अब तक प्रदेश में 2328 सेंटर क्रियाशील है। जब इन सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो बिहार में इन केंद्रों की संख्या बढ़कर 3024 हो जाएगी। आज से सिटी बसों में सफर करना भी हुआ महंगा। बीते दिन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पहले लंबी दूरी की बसों के किराए को बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज से सिटी बसों का किराया भी बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत किराए में न्यूनतम 1 रुपए और अधिकतम 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अभी इलेक्ट्रिक बसों का किराया नहीं बढ़ा है। बढ़े हुए किराए में गांधी मैदान से पटना जंक्शन का किराया 6 रुपए हो गया है। पहले गांधी मैदान से पटना जंक्शन का किराया 5 रुपए था। वहीं गांधी मैदान से दानापुर का किराया पहले 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गया है। गांधी मैदान से हाजीपुर का किराया 40 रुपए से 45 रुपए हो गया है। इसके अलावा गांधी मैदान से पटना साहिब का किराया 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य रूट पर चलने वाले किराए को भी बढ़ा दिया गया है। बिहार में पीएम आवास योजना के तहत मिशन मोड में होगा काम। बिहार में वर्तमान समय में पीएम आवास योजना के लक्ष्य को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। साल 2016-17 से 2020-21 तक कुल मिलाकर 26,73,397 आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा आवास अभी भी बैकलॉग में है। केंद्र सरकार ने भी साल 2021-22 के लिए 11,49,000 आवास निर्माण का लक्ष्य बिहार को दिया है, जिस पर अब नए सिरे से काम को शुरू किया जाना है। इसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कहा है कि पुराना बैकलॉग पर 80% काम हो चुका है, 20% ही बचा हुआ है। वहीं नए लक्ष्य को हम मिशन मोड में हर हाल में पूरा करेंगे। पंचायत चुनाव समाप्त होने के साथ ही आचार संहिता भी खत्म हो गई है, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11.5 लाख आवास के लक्ष्य पर काम अब शुरू हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के दौरे से गायब एसपी और डीएम को शोकॉज, जारी करने की तैयारी। बिहार में बेलगाम अफसरशाही का मुद्दा समय समय पर उठाया गया है, लेकिन अब तक तो केवल विधायक की ही यह सवाल देखे गए हैं, लेकिन उनको शांत करवाने का काम हमेशा से विजय सिन्हा खुद ही करते आए थे, लेकिन अब खुद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने 2 अफसरों के खिलाफ शोकॉज जारी करने की तैयारी कर ली है। दरअसल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 2 दिनों के शेखपुरा दौरे पर थे। शेखपुरा जिले में उन्हें कई कार्यक्रम में शिरकत करना था, लेकिन उनके दौरे के 2 दिन पहले जिले के डीएम इनायत खान और एसपी कार्तिक के शर्मा छुट्टी पर चले गए। इतना ही नहीं, प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए डीएम और एसपी ने अपने जूनियर अधिकारियों को लगा दिया। यही वजह है कि इस मामले में अब विधानसभा सचिवालय सख्त रुख अपनाने जा रहा है। सीएम नीतीश के साथ काम करना चाहते हैं प्रशांत किशोर। सीएम नीतीश को सत्ता में लाने में प्रशांत किशोर की भूमिका अहम मानी गई है। सिर्फ सीएम नीतीश ही नहीं, प्रशांत किशोर ने बहुत से राज्यों में सरकार परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि पार्टी कोई भी हो, प्रशांत किशोर के साथ काम करने में दिलचस्पी जरूर दिखाती है। वहीं बात बिहार की करें तो बिहार में जदयू और प्रशांत किशोर की साठगांठ बेहद ही मजबूत थी, लेकिन कुछ सालों पहले दोनों के बीच में दरार आ गई, जिसके बाद अब बिहार में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश के साथ काम करने की इच्छा जताई है। दरअसल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब प्रशांत किशोर से ये पूछा गया कि देश में सबसे बेहतर नेता कौन है, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जब कुछ नेताओं का विकल्प उन्हें दिया गया तो इसमें से नीतीश कुमार के साथ काम करने की इच्छा उन्होंने जताई। बिहार में जल्द अलग होगी भाजपा और जदयू। बिहार में भाजपा जदयू के बीच टकराव को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, क्योंकि शराबबंदी से लेकर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तक भाजपा और जदयू के विचार अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भाजपा और जदयू को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके तहत कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि नीतीश कुमार
किससे विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। जिनके साथ वो सरकार में है वो कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये लोग बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से भाजपा और नीतीश कुमार एक दूसरे की लड़ाई को सतह पर लाकर बिहार के विकास को पीछे छोड़ रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में दोनों दलों की राहें अलग हो जाएंगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी की। सीएम नीतीश की मांग को राज्यसभा में ले जाएगी राजद। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सीएम नीतीश ने हाल ही में की है। हालांकि इस मुद्दे पर उनके सहयोगी दल भाजपा के तो अलग विचार है, लेकिन विपक्षी दल राजद उनकी इस मांग को राज्यसभा में ले जाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ही राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है। तो राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को दिए नोटिस में सांसद मनोज कुमार झा ने लिखा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग की तरफ से जारी की गई रैंकिंग में बिहार हर मानक पर सबसे पीछे रहा है। ये पूरे देश के लिए सामूहिक चिंता की वजह होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं आपसे स्थगन प्रस्ताव लाने का अनुरोध करता हूं, ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर विस्तार से चर्चा की जा सके। बिहार में बंद हो निजी स्कूल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आए दिन अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। जहां सरकार पूरब दिशा की बात करती है, वहीं मांझी दक्षिण दिशा की बात करने लगते हैं। हाल ही में जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर अपनी बात कही थी, जिसके बाद अब जीतन राम मांझी ने बिहार में प्राइवेट स्कूल बंद करने की मांग कर दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम चंपारण जिले के हरनाटांड पहुंचे थे, जहां थालू समाज के लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। समारोह में जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में कॉमन एजुकेशन पॉलिसी लागू हो और प्राइवेट स्कूल बंद होने चाहिए। शराब कानून नीति में भी बदलाव होना जरूरी है। विराट कोहली ने की फोटोग्राफर से बेटी की फोटो नहीं लेने की अपील। विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए रवाना हो चुकी है। गुरुवार तड़के विराट की टीम के बाकी सदस्यों के साथ टीम बस से एयरपोर्ट पहुंचे। विराट के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका भी थी। टीम बस के एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही वहां फोटोग्राफर्स खड़े हुए थे। विराट बस से उतरे और सीधा फोटोग्राफर्स के पास पहुंचे। उन्होंने फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट की कि वो बेबी का फोटो ना क्लिक करे, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ज्ञात हो विराट और अनुष्का ने अभी तक अपनी बेटी की फोटो को पब्लिक नहीं होने दिया है। मामिका करीब एक साल की होने वाली है। 11 जनवरी को मामिका अपना पहला जन्मदिन मनाएगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिल कुमार यादव, आशिफ, अमन कुमार राम, चंदन कुमार, अविनाश भारती, चंदेश्वर प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम कुमार, संजीत कुमार पासवान, पंकज कुमार, नुन्नू कुमार, केशरी ऑफिशियल, प्रमोद मुखिया। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार जीतन राम मांझी के पटना में प्राइवेट स्कूल बंद करने की मांग से आप सहमत हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।